ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 2 महीने पहले झांसी के रास्ते ग्वालियर लाई गई एमडीएमए ड्रग्स पकड़ी थी। पुलिस ने एक महिला सहित 60 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 36 लाख रुपए की 720 ग्राम एमडीएमए जब्त की थी। इसके बाद इस एमडीएमए के तार गोवा के नाइजीरियन गैंग से जुड़ा था। मुंबई गोवा के हाई प्रोफाइल होटल व क्लब में होने वाले रेप पार्टी में इस ड्रग्स का उपयोग होता है। ग्वालियर में पकड़े गए 7 एजेंट ने चिरगांव झांसी के मनीष मिश्रा को इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया था। मनीष की गर्लफ्रेंड तस्करों के साथ पकड़ी गई थी, पर एमडीएमए ड्रग्स को पकड़े 2 महीने के लगभग समय हो चुका है। ना तो पुलिस की टीम गोवा के नाइजीरियन रैकेट के पड़ताल कर सकी और ना ही झांसी तक मनीष की तलाश में जा पाई है। त्यौहार वीवीआईपी ड्यूटी में फंसी पुलिस अब नए सिरे से दबिश की तैयारी कर रही है। 2 महीने पहले एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी को मिली एक सूचना के बाद क्राइम ब्रांच व मुरार थाना पुलिस की टीम ने उपनगर मुरार के सीपी कॉलोनी लाल साहेब की बगीची में घेराबंदी कर ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की थी। ग्वालियर में पहली बार एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी का खुलासा किया था। यहाँ से पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से करीब 720 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ 2 कट्टे, 7 कारतूस व 2 बाइक बरामद हुई थी। पकड़े गए ड्रग्स तस्करों की पहचान सोनम राजपूत पत्नी सतेंद्र राजपूत निवासी भंडेर रोड दतिया, सुरेंद्र दांगी निवी उन्नाव रोड दतिया, मोहित तिवारी उन्नाव रोड दतिया, हृदेश कुशवाहा निवासी दतिया, ओम प्रकाश बाथम निवासी रमटापुरा ग्वालियर, सुनील परिहार निवासी गोरमी भिंड, मुकेश दांगी दतिया के रूप में हुई है। इतना ही नहीं, जब इनसे पूछताछ की कि यह इतनी हाई प्रोफाइल ड्रग्स कहां से लेकर आए थे, तो उन्होंने खुलासा किया था कि यह ड्रग्स उन्होंने चिरगांव चुंगी झांसी उत्तर प्रदेश निवासी मनीष मिश्रा पुत्र ब्रज किशोर से मिली थी। इसके बाद पुलिस का टारगेट मनीष मिश्रा था। गिरोह में पकड़ी गई सोनम राजपूत मनीष की गर्लफ्रेंड थी। जब मामला खुला था तो नाइजीरियन गैंग गोवा की बात सामने आई थी, पर पुलिस एक बार ड्रग्स पकड़ने के बाद 2 महीने तक खामोश बैठ रही है। ना तो पुलिस गोवा जा सकी, ना ही झांसी के चिरगांव जाकर मनीष मिश्रा की पड़ताल की। इसका भी कारण है, उस कार्रवाई के बाद पुलिस बदनापुरा में ऑपरेशन शक्ति में उलझ गई। इसके बाद कुछ वीवीआईपी विजिट और दशहरा दीपावली का त्यौहार की ड्यूटी में पुलिस अफसर व क्राइम ब्रांच उलझी रही। अब जाकर पुलिस अफसर व जवान कुछ समय निकाल पाए हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि काफ़ी समय बीत गया है, अब फिर से इस मामले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है। एक टीम झांसी के साथ ही अन्य स्थानों पर रवाना की जा रही है। पुलिस पहले भी मामले की पड़ताल करती रही है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।